हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। मैं रोजाना एक ही वीडियो डाल रही हूँ ना, आप लोग को लग रहा होगा दीदी को क्या हो गया है ना। कोई बात नहीं, एक से भी आप वही गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे को बहुत प्यारा सा कमेंट आया है कल की वीडियो में। मैं नाम तो नहीं लूंगी जब तक उनका मुझे कंसेंट ना मिले, है ना। तो मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, बिकॉज ऑफ यू उन्होंने बोला था कि आपके कारण मेरा जो पार्टनर था, है ना, वो मेरी लाइफ में वापस आ चुका है। हम दोनों बहुत हैप्पी हैं। तो जो लोग गाइडेंस लेते हैं, जो लोग अपनी एनर्जी को, जो ये यहाँ पर मैं, देखो मैं नहीं बता रही हूँ, आप भी मेरे जैसे हो, आप भी ये काम कर सकते हो, बट आपको अपने ऊपर पहले मेहनत, अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हो ना, तो पहले खुद को चेंज करना पड़ता है। तो क्या करना है? खुद को चेंज करना है और दूसरे को अपनी हेल्प क्या करनी है? देनी है, दूसरों को सर्व करना है, ठीक है। तो मेरे को कितनी खुशी हो रही है, और थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू, क्योंकि मेरी मेहनत वसूल हो रही है। गाइस, आप लोग कितने प्यारे हो, थैंक यू। ये आप भगवान का काम कर रहे हो, आपने उस पर विश्वास किया है, मुझ पर विश्वास किया है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, बहुत खुश हूँ। आप बहुत क्यूट हैं मेरे सब्सक्राइबर, आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरे परिवार हैं, हम एक परिवार हैं, हमारी सोल फैमिली है ये, है ना। और हमें क्या करना है? दूसरों को सर्व करना है, पहले खुद पे काम करके दूसरों को सर्व करना है ना। प्यार जो भी है, कनेक्शन जो भी है, वो तो है ही, लेकिन हमारा मेन कारण, मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मोटो क्या है? हमें दूसरों को हेल्प करनी है, दूसरों को सर्व करना है। गाइस, जब आप ये चीज़ अपने मन में ठान ली ना, तो यूनिवर्स आपको ये पार्टनर जो है, ये एक बोनस है, ये बोनस है आपका। ये जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, भाई तू देख, यूनिवर्स तू देख, भगवान तू देख, जो भी आप जिसको भी मानते हो, मैं तो कर रही हूँ तेरा काम, तुझे मेरा काम कब करना, क्या जब तेरे पर छोड़ दिया, चल जब तुझे करना होगा कर लेना, ठीक है। तो फिर आपको वो चीज़ अगर कल देनी है ना, तो अभी इसी वक्त दे देगा वो। डिवाइन टाइमिंग चेंज हो सकता है। बट वो चाहे तो, लेकिन उसको आप मना सकते हो इसी वजह तरह से, है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग रियनाइट हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, लेकिन ये बकबक नहीं, आपकी लाइफ के लिए क्या बोलूँ, वर्ड नहीं आ रहा ना, सेंटेंस आ रहा, बस समझ जाइए, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइफ होने वाली है आपकी। तो समझ जाओ, इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश करो। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। तो मतलब यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी फिलहाल क्या है। ये कार्ड आ रहा है द थिंकिंग वुमन, दूसरा है हैप्पी फैमिली, तीसरा है स्टॉर्म वार्निंग, चौथा आया है ओ माय गॉड मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड फिफ्थ कार्ड हम लेंगे क्यूरिंग कनेक्शन। नाइस, आपको दिख रहा है, ये देखो। तो गाइज, आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल है। जो भी स्टॉर्म, जो भी उनकी परेशानियां लाइफ में आ रही थी, वो अब दी एंड हो रही है, दी एंडिंग 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 एंडिंग। और जब एंडिंग होती है तो न्यू बिगनिंग होती है। तो न्यू बिगनिंग क्या है? आपके पार्टनर, आपका दिल जो उनके पास है, उसको पकड़ कर बैठ गए हैं। उसको पकड़ कर बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं, भाई यही मेरा कनेक्शन है, यही मेरा पार्टनर है, यही मुझे बहुत प्यार करता है। चाहे आप सेपरेशन में हो, कैसे भी हो, जो भी आप देख लीजिए, मैं बहुत मस्ती में हूँ आज, और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के कारण, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया ना। बिल्कुल, वो जो प्यार आपने दिया है ना, वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रहा है। थैंक यू गाइस, गॉड ऐसे ही हेल्प करते हैं, गॉड ऐसे ही खुश होते हैं, ठीक है। तो आप कुछ लोगों के एनर्जी यहाँ पर है, आपके पार्टनर की एक फैमिली चाहते हैं आपके लिए। देखो, ये एनर्जी वाइज है, आप कैसे भी, जैसे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं जिसके लिए भी देख रहे हो। ओके,
तो आप जो है सोचते नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर, सॉरी, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। बहुत गहन अध्ययन चल रहा है उनका, एक तरह से बोलूं तो बहुत डीप में जाकर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको ये फैमिली, आपके साथ ये घर बसाना चाहते हैं। घर बसाने का मीन्स ये नहीं कि बच्चे पैदा करें और ये वो फलाना, नहीं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर एक सोल पर्पस करना चाहते हैं आपके साथ। ये क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या होता है कि साथ आकर आपको प्यार, बिल्कुल सब कुछ होता है, रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, बट आपको अगर सोल पर्पस नहीं करेंगे, आप इनर वर्क नहीं करेंगे, लाइफ टाइम तक करना ही है, तो फिर यूनिवर्स आपको सेपरेट कर देंगे। ये मैं वार्निंग दे रही हूँ, और यही वार्निंग है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर रीयूनाइट हुए हैं, मैं वो बता दूं, जिनका भी कनेक्शन अभी नया नया उनका पैचअप हुआ है या उनके पार्टनर उनके पास आए हैं, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप ईश्वर के काम में नहीं करेंगे, या जो भी आपका सोल पर्पज़ है वो थोड़ा बहुत भी आप करना शुरू किया है, जो भी कर रहे हैं दूसरों की हेल्प कर नहीं कर रहे हैं, या अपने में ही मस्त रहने लगे हैं, भाई अब तो बस मेरा पार्टनर मिल गया, अब तो मैं अपने में खुश हूँ और मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सेपरेट हो सकते हैं। स्टॉर्म वार्निंग है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। और ये मैं बिल्कुल, ये चीज अचानक से मेरे को डाउनलोड हुई है, ये आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये अभी अभी मेरे को डाउनलोड हुआ है। ओके, तो ये बहुत आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि केयरिंग कनेक्शन है, और आप लोगों को बस ये है कि अगर आप दोनों एक साथ आ चुके हैं, ठीक है, रीयूनाइट हो चुके हैं, यूनियन में आ चुके हैं, तो आपको ये काम करना है, और आपके पार्टनर भी ये काम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो भी बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन, और ये एक्शन मोड पे आ चुके हैं, ठीक है। फाइनेंस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जो भी थे उनकी लाइफ में से खत्म हो रहे हैं गाइस, ठीक है, और आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं वो। ओके, टैरो से देखते हैं, ज्यादा लंबी ना हो जाए रीडिंग, मतलब गाइस मेरी बोलने पे आप बिल्कुल मत जाइए, जज मत कीजिए, बोलते बोलते ना जी जो भी टंग है ना स्लिप हो जाती है, बट मैं अपने आप ही हंस लेती हूँ, आपको हंसने की जरूरत नहीं है, बट आप हंसते भी है तो हंस लीजिए, कोई बात नहीं, रो तो नहीं रहे ना, हंसी तो रहे हैं, खून ही बढ़ जाएगा आपका मेरी वजह से। देखो ट्रक ने भी बोला। यस, यूनिवर्स ऐसी बात करते हैं। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए अनकंडीशनल प्यार से भरे हुए हैं, यूनिवर्स भी आपको एक मौका देना चाहते हैं इस कनेक्शन के साथ, और बिल्कुल इस स्टॉर्म वार्निंग को ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आप लोगों के लिए, दोनों के लिए है। आपको बहुत, आप इस जो एनर्जी में आ चुके हैं ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में स्पिरिचुअल हैं, विजडम के साथ हैं, प्रैक्टिकल हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं आप, बहुत इन आपके मतलब एक एक्सपीरियंस आपको जो इस लाइफ का हुआ है ना, आप जो अंदर जो भी जैसे अंदर हैं ऐसी बाहर है ना, आप कुछ छुपाते नहीं हैं, आपके अंदर जो विजडम है, आप लोगों के लिए जो जस्टिस करते हैं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को बेहद पसंद है, और वो ही एनर्जी आपके पार्टनर की है एक्चुअली। तो ये, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, गुडनेस गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय, मैं बहुत एक्साइटमेंट में मैं ऐसी बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, होता है होता है, खुशी होती है ना अपने बच्चों के लिए। तो दोस्त मेरे जो भी इस जर्नी पे ऐसे चल रहा है ना, तो ये कार्ड्स, ये एनर्जीज हैं गाइस, ये आप लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पे कलेक्टिव, ये आप ही हैं, ठीक है, ये आपका प्यार है, ये जैसा आप सोच रहे हैं ना, जैसे जैसे आप काम कर रहे हो ना, तो वैसे ही आपकी एनर्जीज यहाँ आ जाएंगी, ये अल्टीमेट हैप्पीनेस अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही गाइस। आपके पार्टनर जब आ जाएंगे साथ में तो क्या होगा, खुशियों का धमाका, स्ट्रेंथ, वो पावर है ना। देखो आपके पार्टनर ने आपका दिल पकड़ रखा है और आपने उनका दिल जो थाम रखा है, अब बैलेंस में आएगा, 4-4 यानी कि एक चेंजेस, 5-0 यानी 5, एक स्ट्रेंथ, एक पावर में आप आ गए हो दोनों कपल, है ना, डिवाइन कपल कह सकते हैं। तो ये जो धमाका होगा तो फिर कैसा होगा, देखो थिंकिंग वुमन, वो सॉरी वुमन के साथ साथ द थिंकिंग मैन, सैक्रल चक्रा यानी कि इमोशंस, बिल्कुल एनर्जीज बैलेंस है गाइस, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इतने ना समझ भी नहीं है आप, समझदार हैं, ठीक है, चलिए इनसे भी लेते हैं दो, एक दो कार्ड। तो गाइज आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आना चाहते हैं और आपकी लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस आना चाह रही है, आ रही है मतलब, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 444
यहाँ पर है एंजल नंबर, वो यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरी कायनात आपके साथ हैं, प्रोटेक्टेड हैं आप, जिस काम के आप कर रहे हो बिल्कुल उसी रास्ते पर चलते रहिए। और क्या है, इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ, बिल्कुल भी इस भ्रम से, इस जो भी इल्यूजन, जो ये मैट्रिक्स है, ये धरती है, क्या है, भ्रम जाल है, मोह माया जाल है, इससे आप बाहर निकलिए और सच्चाई को से रूबरू होइए। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, बिल्कुल आप किसी की यादों में खोए रह सकते हैं और बहुत अच्छी बात है, उनको याद करो और एक अपने हाई वाइब्रेशन में लेके आओ अपने आप को। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, जो चीज़ें हो रही हैं गाइज उनको होने दो, एंड जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती हैं, ट्रस्ट मी, डोंट वरी, बी हैप्पी, एंड कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी रहिए अपनी लाइफ में, खुश रहिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। ये सारी हैप्पीनेस, ये अबंडेंस तो आपकी लाइफ में लिख दी है गॉड ने, बट आपको अपने को ही काम, अपने ऊपर ही काम करना है, अपने लिए ही सोचना है, एक ट्रांसपेरेंसी में आना है, अपनी सोल को इवॉल्व करना, अपनी सोल, आपकी सोल का कनेक्शन किससे है, हैं, आपकी आत्मा का कनेक्शन किससे है, परमात्मा से। तो अगर आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो आपकी सोल आपको कहाँ लेके जाएगी, बिल्कुल सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे, है ना। तो अपनी हायर सेल्फ की सुनो, क्वान यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। देखो क्वान यिन हमेशा ये कहती है कंपैशनेट रहिए दूसरों के लिए, ठीक है ना, केयरफुल रहिए अपनी, अपने लिए, दूसरों के लिए, और एक दूसरे के साथ हमेशा सही बर्ताव कीजिए। देखो भोलेनाथ आ गए ना, फिर क्या बात है, यूनिवर्स ही आ गया आपके लिए। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बींग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो डांस विद द यूनिवर्स, शिव जी क्या कह रहे हैं, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि मस्त रहो, जो चीज़ आपको दे दी है सारी, जो भी आपके अंतरात्मा जो अंदर है उसको, जो चीज़ आपको जर्नी दी है और अपनी पावर्स की, अपनी उस सेक्रेट इस जर्नी की, आप एक रिस्पेक्ट कीजिए जो चीज़ आपको दे दी है, और खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए इस जर्नी में, फेथ रखिए ह्यूमैनिटी, एंड मतलब कि लोगों की हेल्प करना है, सर्व करना है आपको, ठीक है, दूसरों में अच्छाई देखनी, पहले खुद को अच्छा कर लीजिए, पहले खुद को जब अच्छा कर लेंगे तो जब हम खुद अच्छे होते हैं तो हमें दूसरों में भी अच्छाई दिखती है, ठीक है, और जब हमारे अंदर ये इश्यूज़ होते हैं तो क्या होता है, हमें अच्छाई दिखती ही नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छा हो सामने वाला। ओ माई गॉड, मास्टर जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू। फॉरगिवनेस, अगर आपके अंदर इस चीज़ की कमी है तो प्लीज़ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, प्रे कर सकते हैं आप ईश्वर से, परमेश्वर से, परमात्मा से कि प्लीज़ हमें सही रास्ता दिखाइए, है ना। यू आर ऑन द राइट, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, आप एक एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं और एक लाइट की तरफ आपको रास्ता दिखाया गया है कि इस रास्ते पर चलना है, दूसरों को भी ऐसा रास्ता दिखाना है, क्योंकि खुद को एक इस रास्ते पर लाना है आपको। लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपको जीसस जो है ब्लेस कर रहे हैं गाइज इस टाइम पे, ठीक है। ओ माई गॉड, लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आप जो हैं ईश्वर को, किसी भी, जिसको भी आप प्यार करते हैं, मानते हैं, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है ओवरऑल कि आप सही रास्ते पे हैं, ठीक है, आपको सब प्यार करते हैं, लेकिन आपको फेथ करना है, आपको विश्वास करना है और पेशेंस से आगे चलना है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने जो आपसे कमिटमेंट किया है कि आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी अगर आप मेरा काम करोगे, मैं तो सिंपल सी बात कह रही हूँ, लेन देन, गिव एंड टेक, जैसा आप दोगे ऐसा ही आपको मिल जाएगा। तो ईश्वर का आप काम कर दो, आपको भर भर के, छप्पर फाड़ के खुशियाँ मिलेंगी, अबंडेंस, ठीक है। चलिए कृष्णा आपको क्या कह रहे हैं, एक कार्ड हम इससे भी लेते हैं, ओके, देखें कृष्णा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। चलिए अभी मैं थोड़ा सा शफल करूँगी, ओके केशव प्लीज़ बताओ मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हो। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, देखो अपने अंतर आत्मा को ना बिल्कुल प्योर कर लीजिए, शाइन यानी कि जैसे आप आए थे, इनकार्नेट हुए थे, ऐसे ही प्योरिटी में, बिल्कुल लाइट में बदल दीजिए, ठीक है, ठीक है। अपनी सोल की जो ट्रू सेल्फ है आपका, जो ट्रू एसेंस है आपकी सोल का, उसमें कन्वर्ट कर लो अपनी सोल को, सारी लेयर्स को उतार दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए किसकी,
अपने मेंटर्स की, जो भी आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो भी आपको सही कर रहे हैं, सही राह पे दिखा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए हमेशा, ओके। एंड डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। देखो, ना बोलो ना कहो और ना सुनो, और इस तरह की जो है ना करो, तो ये इस तरह की नेगेटिविटी को प्रोवोक ना होने दो, क्योंकि ये बहुत, ये लोग, ये नेगेटिव एंटिटीज ऐसी होती हैं कि आपको लो कर देती हैं, बट आपको इनसे दूर रहना है, दूर करना है, अवेयरनेस में रहना है। ओके गाइज, अभी के लिए इतना ही। आपके पार्टनर, आपके लिए ये गाइडेंस थी। भगवान आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, आपके जीवन में सारी खुशियाँ आपको मिले, सही रास्ते पे चलो, भगवान के रास्ते पे चलो, बिल्कुल आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। डोंट वरी गाइज, अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी।